नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। कोलकाता में एक डॉक्टर से जबरन वसूली करने के आरोप में टीएमसी पार्षद के दो सहयोगी गिरफ्तार। लखनऊ में इमारत ढहने से घायलों से की मुलाकात करने लोकबंधु अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम को 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि 28 लोग घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हरमिलाप टावर मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस बीच घायलों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी लोकबंधु अस्पताल पहुंचे। यहां करीब 20 घायलों का इलाज किया जा रहा है। सीएम योगी ने बिल्डिंग गिरने के इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी तो क्या उसको माला पहनाते, बोले राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि POK के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। दरअसल राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के रामबन में BJP उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आतंकियों के लिए सहानुभूति है। मैंने सुना है कि अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अफजल गुरु को माला पहनाई जानी चाहिए थी। सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सहयोगी महिला ने लगाया रेप का आरोप। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। शादी के 6 साल बाद मां बनी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेटी को दिया जन्म। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट, 5 मुस्लिम कैंडिडेट को दिया टिकट। मुस्लिम उम्मीदवारों में करना से इदरीश करनारी, हंदवाड़ा से गुलाब मोहम्मद मीर, सोनावरी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नासिर अहम लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। आरजीकर हेल्थ स्कैम की जांच के लिए BJP सांसद ज्योतिर्मरा सिंह महतो ने ED को लिखा पत्र। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में TMC के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर वह तुरंत कोई सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सरकार ने अपने पत्र में कहा कि कोलकाता में हो रहा मौजूदा विरोध प्रदर्शन जिसने बंगाल को झकझोर कर रख दिया है, वह TMC सरकार के कुछ पसंदीदा लोगों और भ्रष्ट लोगों के अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतिबिंब है। इस सब को देखते हुए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल पंचकुला विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने टिकट मिलने से नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं BJP से नाराज हूं, मेरे मन में हमेशा से कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता था। कर्नाटक के कुलबुर्गी पुलिस ने सरकारी अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में 8 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। वियतनाम की राजधानी हनोई से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफानी यागी। चीन से लेकर फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाने के बाद यागी तूफान कमजोर पड़ गया। इसने एशिया में अब तक 30 से ज्यादा जान ले ली हैं, जिसमें चीन से 6 और वियतनाम में हुई 20 मौतें शामिल हैं। दिल्ली के बकरवाला इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में भेड़िए के बाद अब CR का खौफ, 5 बच्चे समेत कई लोगों पर किया हमला। अगले हफ्ते रूस रवाना होंगे अजीत डोभाल, कजान ब्रिक्स NSA सम्मेलन में लेंगे भाग। भारत ने सूखा प्रभावित अफ्रीकी देश मलावी को भेजे 1,000 मीट्रिक टन चावल। सुरक्षा एजेंसियों का मणिपुर में सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। राहुल गांधी आज से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तेलंगाना सरकार पैराओलंपिक पदक विजेताओं को देगी 1 करोड़ रुपए, CM रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे बने नए वित्त सचिव। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में CM सैनी के बाद मनोहर लाल पहुंचे मेयर रेणु बाला को मनाने, टिकट कटने पर जताई थी नाराजगी, मुख्यमंत्री से मांगा था 3 दिन का समय।
हरियाणा के करनाल विधानसभा से टिकट ना मिलने से नाराज चल रही मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने के लिए भाजपा पूरे प्रयास कर रही है। कल रात को जहां सीएम सैनी उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे, वहीं आज कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर उन्हें मनाने के लिए उनके आवास पहुंचे। रेवाड़ी में बीजेपी के बागी नेताओं की पंचायतें, पूर्व मंत्री विक्रम सतीश यादव, सन्नी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। पलवल में भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने खोला ऑफिस, कहा जनता कांग्रेस के झूठे मुकदमे याद करे, 10 सालों में विकास नजर आता है। पलवल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने अपना ऑफिस खोल लिया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री एवं पलवल प्रभारी स्वाति सिंह, भाजपा के पूर्व विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। वहाँ तक जाने चाहिए जहाँ से उसने ये हिमाकत करी थी कि यहाँ के जूते चप्पल छोड़कर जाने वाले युवा विवाद के लोगों को उसको छिपाना है, उसको जमुना पार मैं छोड़ के आऊंगा आपके पास। हरियाणा में पिता ने बेटे को फांसी पर लटकाया, दूसरे को जमीन पर पटक कर गला घोटा, चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आए बचाने। हरियाणा के पानीपत में एक पिता ने अपने ही दो बेटों की हत्या करने का प्रयास किया। दरअसल पत्नी की मौत के बाद मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, उसने अपने एक बेटे को फांसी पर लटका दिया और दूसरे को जमीन पर गिराकर उसका गला घोटने लगा, लेकिन मौके पर पड़ोसी ने उनकी जान बचा ली। पानीपत के नवदीप सिंह शोराण को पैरा ओलंपिक में मिला गोल्ड, 47.64 मीटर भाला फेंका, गांव में जश्न का माहौल। रोहतक में डंपर ने स्कूटी सवार को कुचला, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम, यूपी से काम करने के लिए आया था मृतक। हरियाणा में 3 दिन कमजोर रहेगा मॉनसून, 24 घंटे में हुई 7.7 मिलीलीटर बारिश, 11 सितंबर से फिर होगा एक्टिव, बनेगी बारिश की संभावनाएं। फरीदाबाद में अब नैनपाल रावत के बाद बीजेपी नेता दीपक डागर हुए बागी, बोले जीवन में किसी ने इतना आहत नहीं किया जितना भाजपा ने किया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, अब युवता नौमी सन भरजूक नौ भरू पक्की बात है, दोनों हाथ खड़ा कर करके नौमी में से भाग जाओ नहीं भाग जाए। ये मेरी चित्र विधानसभा क्षेत्र की बात आ गई बताएंगी, नौमी सन खड़े भैया भैया भैया, अब यू बताओ निर्दलीय भरू या कहीं बात किए, यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें, कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।